नमस्कार, E24 के YouTube और Facebook पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश भर में कोरोना की मार पड़ रही है। हालांकि लॉकडाउन के सभी फेज खत्म होने के बाद अब अनलॉक फेज वन के दौर में हम लोग जी रहे हैं। कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन यकीन मानिए इस कोरोना ने हमें कुछ टाइम पीछे तो कर दिया है। और इस कोरोना की वजह से ही बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड कपल्स हैं जिनकी शादी में भी रुकावट आई है। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए उन्हीं कपल्स के बारे में बताएंगे जो शादी करने वाले थे या करने जा रहे थे और उनकी शादी लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो गई। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है वरुण धवन और नताशा दलाल का। दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से डेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ पोस्ट डालते रहते हैं, दोनों के परिवार एक दूसरे को साथ में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, ऑफिशियली एक दूसरे को साथ में देखने के लिए यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी। और दूसरा, इन सब चीज़ों के बावजूद जब भी दोनों की शादी की खबरें आती हैं तभी कुछ ना कुछ हो जाता था। अक्सर वरुण ने अपनी शादी की खबरों को छुपाए भी रखा, लेकिन इस बार सोर्सेज पक्की थी कि दोनों गर्मियों में शादी कर लेंगे, यानी 2020 की गर्मियों में इन दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का सोचा था। इनका डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान और वेन्यू वगैरह की डिटेल्स भी आउट हुई थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से इनकी शादी पोस्टपोन हो गई है। माना जा रहा है कि इस साल के एंड में या फिर अगले साल इनकी शादी अब होगी। इसके अलावा अली फजल और रिचा चड्ढा भी एक दूसरे को लंबे वक्त से डेट कर रहे हैं। अली फजल वही हमारे गुड्डू भैया और रिचा चड्ढा यानी कि भोली पंजाबन, हाल ही में उनकी फिल्म सेक्टर 375 भी आई थी। ये दोनों जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं उतनी ही पर्सनल लाइफ को भी करते हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ पोस्ट डालते हैं, खुलेआम रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन शादी के सवाल पर अक्सर चुप्पी साधने वाले ये दोनों ही स्टार्स अब जल्द ही अप्रैल में शादी करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी शादी पर भी ग्रहण लग गया। और अब खबरें ये आ रही हैं कि इस साल के एंड तक रिचा चड्ढा और अली फजल शादी कर सकते हैं। हालांकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर ये प्लान आगे के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। ये तो हुई इन स्टार्स की बात जिनकी शादी को लेकर बिल्कुल माहौल गरमाया हुआ रहता है। अब बात करते हैं अर्जुन मलाइका की। दोनों के रिलेशनशिप को ऑफिशियल हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दोनों ने हाल ही में ऑफिशियल किया है, लेकिन ज़्यादा अपने रिलेशनशिप पर दोनों ही बात करना पसंद नहीं करते हैं, इसे प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। दोनों की शादी का इंतज़ार फैंस बेसब्री से कर रही हैं। दोनों से सवाल भी कई बार हुए हैं लेकिन कभी खुलकर इस मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। हमेशा अर्जुन कपूर कहते हुए पाए जाते हैं कि सही समय पर वो शादी करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि कब मलाइका और अर्जुन शादी के बंधन में बंधेंगे। एक तरफ अर्जुन मलाइका तो दूसरी तरफ अरबाज खान और जॉर्जिया को लेकर भी खबरें आती हैं। जॉर्जिया खान खानदान के हर फंक्शन को अटेंड करती हैं, सोशल मीडिया पर भी अब तो अरबाज के साथ जॉर्जिया बहुत सारी फोटोज और वीडियोज डालती हैं। क्वारंटाइन टाइम को भी दोनों साथ में बिता रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है बहुत जल्द दोनों एक साथ रहने का फैसला कर लें ऑफिशियली। हालांकि अरबाज कई बार कह चुके हैं कि वो जॉर्जिया के साथ हैं, लेकिन अभी फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। तो देखना होगा कब तक ये लोग शादी के बंधन में बंधते हैं। अर्जुन रामपाल और उनकी विदेशी गर्लफ्रेंड गैब्रिलिया, दोनों को एक बेटी भी हो गई है, लेकिन अर्जुन रामपाल ने अभी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की है, जिसका इंतजार भी सभी लोग कर रहे हैं। इन सब के अलावा पुलकित सम्राट और कृतिक हरबंदा के रिलेशनशिप की खबरें भी काफ़ी चर्चाएं बटोरती हैं। खबरें आई थी बीच में कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बल्कि रील लाइफ में। दरअसल लॉकडाउन खुलने के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म बनेगी, बुलबुल मैरिज हॉल। उसमें पुलकित सम्राट और कृतिक हरबंदा दोनों नजर आएंगे। खबरें हैं कि उसमें दोनों शादी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे को रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं और दोनों कब शादी करेंगे इसका ऐलान अभी दोनों में से किसी ने नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों फिलहाल अपने करियर को टाइम दे रहे हैं और सही वक्त आने पर शादी करेंगे। राजकुमार राव और पत्रलेखा भी इन्हीं स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को खुलकर सबके सामने प्रेजेंट किया है। हमेशा एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब बात शादी की आती है तो दोनों ही चुप्पी साध जाते हैं। राजकुमार ने भी एक इंटरव्यू में कुछ महीनों पहले बताया था कि वो सही समय आने पर पत्रलेखा से शादी करेंगे। तो ये कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनको एक साथ ऑफिशियली देखने का ऑडियंस भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। और कुछ स्टार्स की शादी पर लॉकडाउन की मार पड़ी है, तो देखना होगा कि जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद कौन कौन से स्टार्स शादी के बंधन में बंधते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर लेटेस्ट खबर को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।